बीपीएससी शिक्षा का अभ्यर्थियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर क्या हो सकती थी कि आयोग के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर ने आकर ट्वीट किया कि अब तैयारी हर साल अगस्त में आयोजित की जाएगी। इसके बाद बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इसके बाद देखें तो सीटेट के बारे में ये कहा गया, सीटेट अपियरिंग वालों के बारे में कहा गया कि फिलहाल इसको शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। तो अब सीटेट अपियरिंग वाले तो बाहर हो जाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। अब कितने चांसेस मिलेंगे अगर हर साल अगस्त में वैकेंसी आती है और मौके दिए जाते हैं तो कितने चांसेस मिलेंगे, क्या डोमिसाइल आ सकता है और क्या कुछ हो सकता है, बहुत सारे छात्रों के सवाल है। इन्हीं सभी सवाल को जानेंगे अभी रजनीश सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। सर जिस प्रकार से आज ट्वीट आया और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं सर वो और जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी के लिए सर खुशी की खबर आ गई कि अब हर साल अगस्त में वैकेंसी आनी। देखिए, एक बिहार में और उत्तर प्रदेश से उत्तर भारतीय राज्य हैं, वहाँ गवर्नमेंट जॉब को एक तवज्जो दिया जाता है। आप लाखों कमाते हैं, प्राइवेट नौकरी में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी एक अलग इज्जत है। तो अब शिक्षक का पद एक सम्मानजनक पद है और हर साल वैकेंसी आएगी अगस्त में। इसको आप एक समझिए कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देख सकते हैं। बिहार के बच्चे और पड़ोसी राज्य के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और हर साल वैकेंसी आने का मतलब यह होता है कि बच्चे रूटीन से एक टाइम के फ्रेम में तैयारी कर सकते हैं। ऐसे अनिश्चितता का दौर रहता है कि वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कोई ठिकाना नहीं, कब तक पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई पता नहीं। पर अभी बता दिया है टाइम भी कि तो अगस्त महीने में लेंगे, तो बच्चे उसी हिसाब से अब DLED या BED का कोर्स करेंगे, CTET और STET की परीक्षा पास कर रखेंगे, जो डिग्री क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको रखेंगे और तैयारी करेंगे। तो एक रहेगा कि भैया वैकेंसी आएगी, चाहे वो 5,000 आए या 50,000 आए, वैकेंसी आनी है, हम पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की जो जनसंख्या की डेमोग्राफिक स्थिति है, पोजीशन है, उसमें सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर वैकेंसी का कोई ठिकाना भी नहीं होता था कि कब वैकेंसी आएगा, सारे परीक्षा की स्थिति वैसे ही थी। लेकिन अब एक नीतीश कुमार जो सरकार जिनकी है उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ ही सोच रही, ये तो चिंदिर ने हुआ होगा, तभी आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट किया। तो सरकार को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक लिमिट टाइम बताया आपने कि भाई इसी महीने वैकेंसी देंगे हर साल, उसी के हिसाब से लड़के तैयारी करेंगे, किसी प्रकार का उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बच्चों को इस पर भुनाना चाहिए। बहुत सारे छात्र मांग कर रहे थे कि TRE 2 में सीटेट अपियरिंग बीएड अपियरिंग वाले को मौका दिया जाए, लेकिन आज साफ कर दिया चेयरमैन ने कि मौका नहीं मिलेगा, हम हर साल TRE अगस्त में। बिल्कुल, ये आशा में बच्चे थे जो सीटेट अपियरिंग वाले थे, ये पूरी आशा में थे कि इस बार भी पिछली बार की तरह हमको अपियरिंग का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, ये नहीं मिलना ये तो थोड़ा उनके लिए दुखद खबर है, मिल जाता तो एक मौका मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला तो एक बड़ी खबर ये आई कि हर साल हम वैकेंसी लेंगे। नहीं मौका मिला तो अगले साल मौका मिलना तय है। जो लोगों में भ्रम था कि इस बार शिक्षक इतनी बड़ी वैकेंसी आ गई तो अगले 5 साल बाद आएगा, लोगों में चल रहा था गॉसिप कि अब तो 5 साल 7 साल बाद अब आराम कीजिए, ये वाला बात अब खत्म हो गया। इसलिए सीटेट अपीयरिंग वाले, मैं ये कहूंगा कि कम से कम समय से पहले आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कह दिया क्लियर कि मेरा कोई प्लान नहीं है सीटेट अपीयरिंग को इस बार मौका देने का, तो आप भी निश्चिंत हो गए जी कि चलो हमको मौका नहीं मिलेगा। अब ये मान ले कि आगे से भी मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, आगे से मौका नहीं मिलेगा, ये मान के चले कंप्लीट डिग्री होगी तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैंने अब जो अगले साल से वैकेंसी होगी, अभी जब भी आगे होगी तो कंप्लीट आपको BED DLED का डिग्री होना चाहिए, सीटेट स्टेट की डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दिया गया, डायलमा में पहले जिस पिछली बार कई सारे मैटर में डायलमा में आयोग रखा था, लोग कह रहे थे क्लियर आयोग बोल क्यों नहीं देता, आयोग अब क्लियर बोल दिया कि सीटेट अपियरिंग को शामिल करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब आपको अब TRE 2 पे फोकस ना करके आपको सीटेट में पास करने का मतलब मेहनत उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि सीटेट में पिछली बार ब्रजेश जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। और सीटेट CBSE ने अब क्या किया स्टेट जी, कि पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब कुछ नया प्रयोग, आखिर फेल क्यों किया लोगों ने, क्वालिफाई भी क्यों नहीं कर पाए, क्वेश्चन का लेवल टफ किया। तो क्वेश्चन का लेवल टफ है, अब आयोग ने क्लियर कर दिया कि TRE 2 में आपको मौका नहीं मिल रहा, तो जी जान लगा दीजिए किसी तरह सीटेट पेपर, सीटेट का जो पेपर 2 है, जो पेपर 1 के लिए है प्राइमरी वाले के लिए, उनको किसी तरह से जान लगाकर, जोड़ लगाकर, मेहनत करके उनको सीटेट पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है, सीटेट आप फोकस कीजिए, अगले साल अगस्त में मौका मिलेगा, 6 महीने तक आप बेरोजगार रहेंगे, यही ना मतलब है भाई, टेंशन नहीं बात का है। जी,
लेकिन जैसे ही सर इस बात की घोषणा हुई कि हम जा रहे हैं इस तरह का प्लान करने के लिए अगस्त में, तो कहीं ना कहीं सर अब जो बीएड नहीं भी किए हैं, जो डीएलएड नहीं किए हुए हैं, वैसे छात्रों की सर अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सर अब तो पीआरटी भी आएगा सर इसमें। हाँ, अब पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जितनी सीटें हैं, कम है ज़्यादा है, हर लेवल में सीट आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब डीएलएड की संख्या बढ़ेगा, बीएड की संख्या बढ़ेगी, आपने कहा बिल्कुल बढ़ेगी संख्या, और एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं कहता कि एक सिक्योर हो गया लाइफ। देखो, आदमी पहले बीटेक करता था कि चलो बीटेक कर लेंगे तो चलो कहीं नौकरी नहीं भी होगी तो किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। अब है कि बीएड और डीएलएड आपने किया है, सीटेट पास है, स्टेट पास है, टैलेंट आपके अंदर है, तो हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए जो सिंपल ग्रेजुएशन करते थे, आगे वो लोग बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी करते थे, इधर सीटें कम होती थी, तो कम से कम ये तो हुआ कि कम से कम चलो भाई इधर भी ट्राई करेंगे। लेकिन बीएड और डीएलएड किए रहेंगे, सीटेट स्टेट पास रहेंगे, तो टीचर अगर मेहनत करेंगे तो बन ही जाएंगे, इधर बने चाहे न बने टीचर बन जाएंगे। तो बिहार के बच्चों के लिए बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिला, बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिला, मतलब अब वो आराम से बीएड डीएलएड को, मैं भी अपील करूंगा कि आप सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद आप बीएड या डीएलएड कर लें, सीटेट टेस्टेड कर लें, ताकि मान लीजिए कि इधर मौका किस्मत है, भीड़ है, कंपटीशन नहीं हुआ, तो वहाँ कम से कम हो जाएगा। सर आपने कहा कि बिहार के बच्चों का, तो बिहार के बच्चों का सर सवाल यह है कि क्या डोमिसाइल रहेगी सरकार। सर आप अधिकारी बन चुके हैं, आप तटस्थ हैं, लेकिन इसके बाद भी सर डोमिसाइल पर क्या कुछ है? देखिए, डोमिसाइल की बात करेंगे तो अभी तो कोई प्लान सरकार का इस पर है नहीं कि डोमिसाइल को हटाएंगे, डोमिसाइल को लागू करेंगे, ऐसा कोई प्लान सरकार का अभी नहीं है। लेकिन भविष्य में मुझे लगता है ऐसा चांस है कि कुछ प्रतिशत सीटें अपने राज्य के लिए, जैसे अनदर स्टेट में क्या है कि प्राइमरी में कोई अदर स्टेट का फॉर्म नहीं डाल सकता, किसी भी स्टेट में जाइए प्राइमरी टीचर में अदर स्टेट के लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता, मतलब वहाँ का टेट आपको पास होना चाहिए, मतलब वहाँ का टेट आप पास करेंगे तभी आप उस राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार को भी इसको करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अभी तो अभी सरकार का कोई प्लान नहीं है। अगले साल हो सकता है कुछ आगे बने इस तरह का, तो सरकार हो सकता है कुछ प्रतिशत सीट अपने राज्य के लिए रिजर्व करे, पर ऐसा नहीं करेगा कि 100% सीट बुक कर देगा अपने राज्य के लिए, कभी नहीं होगा। ये प्राइमरी हो, मिडिल हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, किसी भी स्टेज में एकदम 100% बता रहे कन्फर्म, जो बिहार सरकार की टेंडेंसी है। मैं जानता हूं, बिल्कुल अदर स्टेट वाले घबराए नहीं, डोमिसाइल यदि लागू होगा भी तो पार्शियल लागू होगा, कंप्लीट लागू नहीं होगा। 20% 25% सीटें रिजर्व होंगी, पर इस बार TRE2 में ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, आगे होगा भी तो 20-25-30% पूरे सीट रिजर्व अपने स्टेट के लिए नहीं होगा। सर वैसे छात्र क्या करें जिसे कि कहा गया था कि 3 चांस दिए जाएंगे, तो 3 चांस दिए जाएंगे सर, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हड़बड़ी में परीक्षा दे रहे हैं, भैया ले लें जल्दी से, 5 साल बाद आएगी, अब तो सर हर साल आएगी। देखिए, अब हर साल आएगी, सीट भी अनुमानित लोगों को पता होगा कितना आना है, वो लोगों को पता चलता, जो हर साल आएगी तो उतनी मात्रा में सीट नहीं आएगी, जितनी भारी मात्रा में वैकेंसी है इस वैकेंसी हर साल आएगी, लेकिन इतना बड़ा वैकेंसी अब नहीं आएगा, क्योंकि हर साल भर्ती होता जाएगा तो भरता जाएगा सीट, इतनी वैकेंसी थोड़ा ना आने वाली है। तो अब विद्यार्थी देख लें, अटेम्प्ट अगर निर्धारित है 3, तो विद्यार्थी अपनी तैयारी देख लें कि हमारा तैयारी है कि नहीं, उसी हिसाब से अटेम्प्ट का अपना यूज करें। लेकिन यदि आप टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, तो 1 अटेम्प्ट काफ़ी है, नहीं तो 3 अटेम्प्ट कम है, अगले 5 अटेम्प्ट भी कम है। तो आप मेहनती हैं, और टीचर की वैकेंसी कोई ऐसा बहुत भारी परीक्षा का सिलेबस नहीं है, इसको तैयार करना एकदम सिविल सर्विसेज की तरफ वैसा कुछ नहीं है। यदि आपका फोकस है कि हमको टीचर बनना है, तो 1 साल पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, तो 1 साल यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप जिस अटेम्प्ट को लीजिएगा उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डरने की क्या जरूरत है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ ब्रजेश जी, अपने अनुभव से, जितना समय निकलता है ना, एनर्जी लेवल भी लोगों के अंदर कम होता है, और सिलेक्शन होने की संभावना भी कम हो जाता है। आपको 10 अटेम्प्ट मिल जाए, पहला अटेम्प्ट में संभावना सिलेक्शन होने का ज़्यादा होता है, दूसरा अटेम्प्ट में उससे कम, तीसरा में उससे कम, जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है ना, सिलेक्शन होने की संभावना घट जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो 3 अटेम्प्ट भी बहुत है टीचर के लिए, और सरकार को ऐसे तो चाहिए था कि 37 एज है तो 37, क्योंकि कोई बिहार में किसी परीक्षा में अटेम्प्ट नहीं है, सेलेक्ट लोगों के लिए है कि जो सेलेक्ट हो गए उनको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट देना होगा बीपीएससी, लेकिन और जो अनसेलेक्ट लोग हैं उनके लिए कोई अटेम्प्ट बिहार में नहीं है। ये पहली परीक्षा है जिसमें 3 अटेम्प्ट उन्होंने किया है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अटेम्प्ट निर्धारित मत कीजिए, करते हैं तो फिर सब परीक्षा में करिए, दरोगा में भी कर दीजिए 3 अटेम्प्ट, फिर बीपीएससी में भी कर दीजिए 3 अटेम्प्ट, फिर टीचर के लिए 3 अटेम्प्ट का मतलब क्या है?
37 तक एज है, 37 तक वो देगा परीक्षा, कोई फिजिकल वर्क थोड़ा ना कि हमारा बॉडी की कैपेसिटी घट जाएगा। जब 37 तक दरोगा बहाल कर रहे हैं आप, तो फिर टीचर में 37 साल में क्या दिक्कत है? तो मैं ही कहूंगा कि सरकार अटेम्प्ट हटाए, लेकिन अटेम्प्ट अगर 3 भी है मेरे बच्चों तो टेंशन नहीं लेना है, आप बहादुर हैं, 1 अटेम्प्ट में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। समय देने के लिए सर बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको भी, इसलिए क्योंकि जो भी बच्चों का डाउट होता है उस समय से आप आकर के उनको पहुंचाते हैं न्यूज, इसके लिए ऑन ड्यूटी चैनल आपका है और हम देखते हैं कि सबसे पहले पहुंचाने वाले में आप शामिल हैं। तो बढ़िया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप ताकि आपको सही समय पर सही न्यूज मिले। और आपके अंदर एक क्वालिटी मैं बता देना चाहता हूँ, तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं तारीफ कर देना चाहता हूँ कि आप ऑथेंटिक बात ही पूछते हैं, मैंने इस तरह की बात नहीं पूछते कि बस आग लग जाए कुछ, उस तरह भी जो बात है वो पूछते हैं, सिंपली आप न्यूज लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो चलिए इसी तरह काम करते रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, और बच्चे बस मेहनत करिए, अटेम्प्ट और इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।